नमस्ते दोस्तों, आज हम ये वीडियो में बहुत ही ज्यादा हेल्दी साथ में टेस्टी और जिसे कह सके हम कि सारे गुणों से भरपूर ऐसी रेसिपी बनाएंगे जिसे हम बढ़ती उम्र के बच्चों के लिए तो दे सकते और साथ ही साथ जिन महिला की डिलीवरी हुई है तो डिलीवरी के बाद भी जो इसे दिया जाए तो उसके लिए तो बहुत ही असरकारक है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। और हम इसका अगर एक बार मसाला बना कर रख देंगे तो जब मन चाहे तब इसमें से बना सकते या तो इसकी बड़ी बनाकर भी हम काफी दिनों तक एंजॉय कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हमारी वीडियो की ओर, तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करिए। यहाँ पर हमने एक कप बादाम लिए है, एक कप अखरोट लिया है और एक छोटा कप हमने यहाँ पर छोटी वाली चारोली और यहाँ पर एक कप काजू और एक कप पिस्ता लिया है। यहाँ पर जो बादाम है हमने ऐसे ही साबुत लिए हैं। आप बादाम के टुकड़े का भी उपयोग इसमें कर सकते हो और अखरोट भी आप जो टुकड़े में मिलते हैं उसका भी उपयोग कर सकते हो, पर मैंने जो अखे अखरोट होते ना घर पर उसको खोल कर ये निकाले है। और ये छोटी सी चारोली का दाना बहुत ही ज्यादा गुणकारी तो होता ही होता है और साथ में स्वादिष्ट भी है। और यहाँ पर मैंने काजू लिए हैं तो आप काजू के टुकड़े का भी उपयोग कर सकते हो। और यहाँ पर ये है हमारे पिस्ता। इन ड्राई फ्रूट में कोई एकाध चीज आपके पास ना हो तो उसे स्किप भी कर सकते हो और कोई चीज इसमें पसंद ना हो तो उसे भी स्किप कर सकते हो। यहाँ पर हमने एक मोटे तलिए की कढ़ाई ले ली है, उसमें हमने यहाँ पर हमारे अखरोट, बादाम, पिस्ता, छोटी वाली चारोली के दाने और काजू को भी ले लेंगे। और यहाँ पर हम गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रखकर इसे ड्राई रोस्ट कर लेंगे। यहाँ पर हमें घी या बटर का उपयोग करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हम ये सारे नट्स को हल्का सा क्रिस्पी होने तक सेक लेना है। इसमें से है ना जैसे हम तोड़े और जब इसका एक बाइट लेना तो एक क्रंचीपन टेस्ट आना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने कुछ 5-7 मिनट इसको लो फ्लेम पर सेक लिया, उसके बाद एकदम रूम टेम्परेचर पर ठंडा करने के लिए रख दिया है। और एकदम ठंडा होने के बाद हम इसे मिक्सर जार में इसका अच्छा सा दरदरा पाउडर बना लेंगे। हमें इसका फाइन पाउडर नहीं करना है, हमें इसका दरदरा पाउडर ही रखना है। तो मिक्सर को हमें ऑन ऑफ करना है ताकि इसका एकदम अच्छे से फाइन पाउडर होगा और इसमें से ऑयल रिलीज भी नहीं होगा। देखिए ये है हमारा एकदम अच्छा वाला ड्राई प्रीमिक्स पाउडर जिससे हम बहुत सारी रेसिपीज बना सकते हैं। तो इससे हम बनाएंगे यहाँ पर बहुत ही अच्छा वाला जो हमारी वड़ी। तो इसके लिए मैंने 2 बड़े चम्मच घी ले लिया है और इसमें हमने जो ये सारे नट्स को पीसा है ना उसकी 2 कटोरी ले ली है। घी के साथ हमने 2 मिनट सेक लिया, उसके बाद उससे आधा मतलब 1 कटोरी से भी थोड़ा कम उतना मैंने देसी वाला गुड़ ले लिया है और 1 चम्मच मैंने इलायची पाउडर भी ले लिया है। यहाँ पर आप चीनी का उपयोग भी कर सकते हो, पर गुड़ से है ना ये वड़ी बहुत ही अच्छी बनती है। और देखिए ये तरीका आप देखकर तुरंत ही बनाओगे क्योंकि ना तो इसमें चाशनी का झंझट है और ना कोई इसमें मेजरमेंट का। तो यहाँ पर ये हमारी वड़ी बन गई है, तो इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। और यहाँ पर हम इस तरह से स्पैचुला की मदद से इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। ये गर्म रहेगा तभी हम इसमें से जो एक्स्ट्रा घी है वो निकाल लेंगे, क्योंकि जो हमारे नट्स है ना उसमें भी उसका अपना नेचुरल ऑयल होता है। तो अब हम इसे गर्म रहेगी तभी कट कर लेंगे। और देखिए आराम से इसके पीसेस भी कट हो रहे हैं। आप चाहे तो इसके थोड़ा सा हल्का ठंडा होने पर छोटे छोटे से लड्डू भी बना सकते हो। आप इसे बहुत ज्यादा हेल्दी और बहुत ज्यादा ऐसे कह सकते हैं ना प्रोटीन और बहुत सारे विटामिन से भरपूर ऐसी ड्राई फ्रूट चिक्की भी कह सकते हो। पर भाई चिक्की में घी कहाँ होता है, हमने तो इसमें घी भी तो यूज किया है, तो बढ़ती उम्र के बच्चों के लिए है ना बहुत ही असरकारक। और जिन माता की डिलीवरी हुई है उनके लिए भी है ना एकदम परफेक्ट रेसिपी। अगर ये सुबह में ऐसे 2 छोटी सी वड़ी खा ले और ऊपर से 1 गिलास दूध पी ले तो आपको दोपहर तक लंच की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये व्रत में तो खा सकते ऐसी है और साथ में बहुत ही जल्दी ये बन भी जाती है और बहुत लंबे समय तक हम इसका एंजॉय भी कर सकते हैं।
आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बाजू में दिख रही बेल आइकन को ऑल प्रेस कर दे ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और इसके कोई भी चार्जेस नहीं है।